प्रेस में जाके कुकी लोग आओ हमारे हम ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आ जाओ फिर से ये सब बोल के अगले दिन क्या कहते हो इलीगल इमिग्रेंट और फिर तीसरा दिन क्या बोलते हैं टेररिस्ट। ये आपका आपके पास एक स्टेबल स्टैंड पॉइंट भी नहीं है, आप ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे, ऐसे नहीं चलेगा। हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बस पहले अगर हम हैं तो ही पॉलिटिक्स है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमें जल्द से जल्द हम लोग सिक्योर कीजिए हमारी लाइफ, यू नो हम लोग को बचा लीजिए, बस हम घर पर घर वर तो ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी जान बाकी है वो भी आप लोग क्या देखना चाहते हो कि हमारी जान भी चली जाए। हम भी इंडियंस है, हमारी आवाज़ आप लोग सुनिए, हम लोग कितना कब से चिल्ला रहे हैं, एक महीने होने वाले लेकिन आप लोग हम लोग को इल्लीगल आप लोग भी क्या इल्लीगल समझने लगे हो क्या हमें? जो भी हो हम उत्तर माला से आशीर्वाद मिला है, वी गॉट ब्लेसिंग, वी रिसीव ब्लेसिंग। नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। हमारी पूरी टीम मणिपुर में जो लगातार पिछले 27 दिनों से हिंसा का माहौल है उसको हम कवर कर रहे हैं, उससे जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा करने वाले हैं, लगभग 4 दिन का उनका दौरा रहेगा। इस दौरान वो कई सारी सिक्योरिटी मीटिंग्स लेंगे, मणिपुर में जो हिंसा का माहौल है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो मणिपुर की कुकी समुदाय है, वहाँ की आदिवासी समुदाय है, उनके कई लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। वो दिल्ली में, देश की राजधानी में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखने आए हैं और उनके कुछ डिमांड्स हैं। यहाँ पर कई सारे भाषण दिए गए, काफ़ी सारी बातें कही गई, जिसमें एक जो पॉइंट रखा गया ये कि मैथी और कुकी समुदाय के बीच जो तनाव का माहौल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए कुकी समुदाय को ये खतरा है कि जिस तरह उनके घर को जलाया जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो तुरंत मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन को लागू करे और इसके बाद जो कुकी समुदाय है उनके लिए एक अलग स्टेट की भी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि जो कुकी समुदाय के लोग आए हैं उनमें ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ और महिलाएँ आई हैं जो या तो दिल्ली में पढ़ाई करती हैं या वो दिल्ली में काम करती हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि वो मणिपुर से भी अभी दिल्ली पहुंची हैं तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्या स्थिति है ज़मीन पर, और इसके साथ साथ उनके डिमांड्स क्या हैं, जो एक समाधान के तरफ हम बढ़ना चाहते हैं उसको लेके ये कौन से डिमांड्स रेज कर रही हैं, कौन कौन से मुद्दे ये लेकर यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँची हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। इट्स अ पीपल ऑफ मेइटेई, द रेडिकल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कॉल्ड द मेइटेई लिपुम और अरंबाई टेंगल व्हिच they are responsible for this violence, but Mr. Biren Singh doesn't talk about them. They looted the police station even when this violence were started in May, in initial phase. Even in day before yesterday they looted the police camp, but Biren has not talked about them. So we are protecting our land. It's the volunteers, it's my brothers, it's my brother and my father who are volunteering to protect the village. So there is no military involved. See, the present situation right now demands presidential rule because we have to save our people. They are killed by the Meiteis, they are killed by the state forces each day. So we need presidential rule immediately, and for the future we demand separate administration. That is our demand. Immediately we want president rule. We don't want to lose more of our family, more of our friends, more of our brothers and sisters. So the immediate demand is the president rule. That's the only way out. So, central government, this is our request that central should intervene immediately. Like we said, they have to enforce president rule, and then for political talks will be like for future, but then we demand separate administration. That is our message. Actually, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो reservation का जो issue है ये एकदम मतलब बेकार है, क्योंकि उनके पास SC कोटा है, फिर OBC है, फिर EWS कोटा है, फिर जनरल तो है ही, तो उनको सिर्फ ST ही क्यों चाहिए, जो सिर्फ 7.5% जो हम नागास ब्रदर्स के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये जो ST का जो स्टेटस का जो ये ड्रामा जो है बिल्कुल मतलब बस हम लोगों को
हमारा लैंड छीनना चाहते हैं वो लोग, और हम लोगों को जैसा भी हो जो वैली में जो है हम लोग को बस निकालना चाहते हैं। यही इसी ड्रामा की वजह से वो लोग ये सब नौटंकी कर रही है, ये सब कुछ मतलब कोई लेना देना नहीं इस ये चीज़ में। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल हमारा आवाज़ सुनेगा, अभी भी चल रहा है यहाँ पे, इतना शोर मचा रहे हैं हम क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बस पहले अगर हम है तो ही पॉलिटिक्स है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमें जल्द से जल्द हम लोग सिक्योर कीजिए, हमारी लाइफ यू नो हम लोग को बचा लीजिए, बस हम घर वर तो ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी जान बाकी है, वो भी आप लोग क्या देखना चाहते हो कि हमारी जान भी चली जाए। हम भी इंडियंस है, हमारी आवाज़ आप लोग सुनिए, हम लोग कितना कब से चिल्ला रहे, एक महीने होने वाले लेकिन आप लोग हम लोग को इल्लीगल, आप लोग भी क्या इल्लीगल समझने लगे हो क्या हमें? प्रेस में जाके कुकी लोग आओ हमारे हम ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आ जाओ फिर से ये सब बोल के अगले दिन क्या कहते हो इल्लीगल इमिग्रेंट, और फिर तीसरा दिन क्या बोलते हैं टेररिस्ट। ये आपका आपके पास एक स्टेबल स्टैंड पॉइंट भी नहीं है, आप ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हम पे, ऐसे नहीं चलेगा। एक्चुअली लाइक जस्ट येस्टरडे माई विलेज वॉज अटैक्ड लूटेड एंड वॉज चार्ट डाउन टू एशेस। वी हैव अराउंड 120 हाउस होल्ड, इट्स कॉल्ड लांगचिंग विलेज इन सुगनू चांदिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इट वॉज द वी सो वॉट्स सैडनिंग वॉट पेन्स मी इज दैट वी हैड टू सी द वीडियोज थ्रू मेटी यूट्यूब चैनल्स एंड इंस्टाग्राम पेजेस। We only heard from phone calls, you know, the CM termed them as militants, kooky terrorists. These people are our brothers and uncles, you know, our fathers who are defending our villages from getting attacked and being burned. दरअसल हम लोग जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए आए हैं तथा हमें अपने अलग प्रशासन जो हम कई सदियों से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मणिपुर गवर्नमेंट ने कभी इस हमारे इस अलग प्रशासन के बारे में सुना नहीं है। और इतिहास यहाँ भी है कि जब हमें स्वतंत्र मिले थे मणिपुर में वैली एडमिनिस्ट्रेशन और हिल एडमिनिस्ट्रेशन के भाव पे दो भाव पे बांटा गया था, लेकिन अभी आपको पता होगा कि कुछ 3 तारीख से यहाँ पे जो कैसे कहेंगे इतनी क्लिनसिंग चल रही है, जो प्रलालय के सम्मान पे आज अभी यहाँ तक पहुँच गई है, यानी कि होलिकस के सम्मान हो गई है, जिसपे कई 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, उसी के साथ साथ कई बेघर हो गए हैं, और बेघर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो दिल्ली पे पढ़ाई करते हैं, उनके माता पिता घर पे हैं। इसी के साथ इतने सारे दुर्घटना हुए हैं कि आज हमें यहाँ पर आके अपने न्याय के लिए बात करनी पड़ रही है। What happened was the very Meerapaibi, this Arambai Tengol and all, they came with JCBs to attack our village. Then to portray it as a Hindu and Christian, you know, narrative, to push that narrative, they went to Wapokpi, our neighboring neighborhood, Meitei neighborhood, and destroyed the Meitei Christian church there. You know, they're just doing it to give it, it's like to make it look like it's a Meitei, it's a Christian Hindu narrative, right? Like problem, conflict. अपने गुनाहों को और उसी के साथ साथ उनके जो radical group है, जैसे कि अनंबन टेंगल, मेटे लिपुम और जो कमांडो वगैरह, वो लोग अपने उनको बचाने के लिए हमारे CM ने हमारे ही लोगों को जो अपने गांव, अपने इज्जत, अपने मान मर्यादा सम्मान को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो घर पे रह गए थे, जो अपने गांव को बचा रहे थे, उन्होंने उनको मार दिया, और अभी अपने करतूतों को बचाने के लिए उन्होंने उनको मिलिटेंट के नाम या फिर टेररिस्ट के नाम पे कह दिया। आपको इतना पता होगा कि किसी को टेररिस्ट बोलना एक मानव अधिकारण के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बहुत बड़ी कैसे कहेंगे वायलेंस जो घटना है, तो इसके हिसाब से हम लोग को इतनी दुख लगी है, इतने बेघर होने के साथ साथ अभी हमें टेररिस्ट के नाम पे कहा गया, इसके खिलाफ पे हम लोग आज अपने लिए न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। यू नो आर डिमांड, देर इज़ वन कॉल इमीडिएट डिमांड एंड देन देर इज़ वन कॉल लॉन्ग टर्म डिमांड। फॉर इमीडिएट डिमांड वी वांट अ प्रेसिडेंट रूल, बिकॉज अदरवाइज वी हैव बीन किल्ड 2 to 3 days बैक इफ दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन, वी माइट नॉट सी अवर फैमिली अगेन देयर। सो इमीडिएटली वी वांट प्रेसिडेंट रूल, इन द लॉन्ग टर्म वी वोंट बी एबल टू स्टे अगेन विद देम। After so much of violence, after so much of, you know, what has been done, the state, your own state chief minister and your own security forces hunting you.
यू नो वी कैन नॉट लिव टुगेदर विद देम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सॉल्यूशन द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और